तो मध्य प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20 मार्च को यानी कि कल मध्य प्रदेश विधानसभा का सेशन फिर से बुलाया जाए। अदालत ने कहा कि कमलनाथ सरकार कल शाम 5 बजे तक बहुमत हासिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने सदन की कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराने का आदेश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बागी विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने मुकुल रोहतगी से पूछा कि जब सेशन चल रहा हो तब क्या राज्यपाल एजेंडा तय कर सकते हैं। इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि अदालत में जितने मामलों का उदाहरण दिया गया है सब में सुप्रीम कोर्ट ने हाउस का एजेंडा तय किया था। आधी रात को सुनवाई करके भी यह एजेंडा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किया गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को बहुमत हासिल करने का आदेश दे दिया है। शुक्रवार तक फ्लोर टेस्ट कराने का, शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो संख्या बल है हमारे साथ है। लोभ, प्रलोभन, खरीद लेंगे, कुचल देंगे, मिटा देंगे, कैसे भी पकड़ के साथ ले आएंगे। इस प्रयास में श्री कमलनाथ जी और विशेषकर दिग्विजय सिंह लगे थे, आज उसकी पराजय हुई है। और इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को हम सिरोधारी करते हैं। कल फ्लोर टेस्ट होगा, हाथ उठा के होगा, और हमारा पूरा विश्वास है कि अल्पमत की सरकार, और केवल अल्पमत की सरकार नहीं है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के सियासी संकट पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। कांग्रेस की ओर से राज्यपाल के आदेशों पर सवाल उठाए गए, साथ ही कांग्रेस सरकार की ओर से 2 हफ्तों का वक्त भी मांगा गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी तो की ही थी, बीजेपी ने भी कमलनाथ सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। रिपोर्ट देखिए। तो आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि बेंगलोर में मौजूद दिग्विजय सिंह ने आरोप फिर से लगाया कि उन्हें विधायकों से मिलने नहीं दिया जा रहा, और साथ ही साथ उन्होंने अपने बयान में कहा कि उन्होंने विधायकों से मिलने के मांग को लेकर एक पत्र भी पुलिस को सौंपा है। कल आपको मालूम है माननीय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कर्नाटका से मैंने अनुरोध किया था कि मैं, मेरा संवैधानिक अधिकार का पालन करते हुए रमाना होटल जाना चाहता था जो कि पब्लिक प्लेस है, लेकिन आपकी पुलिस ने मुझे नहीं जाने दिया, इसलिए मुझे वहां जाने के लिए मेरा फंडामेंटल राइट है उससे आप मुझे वंचित मत करिए। मुझे फोन करने से भी मना कर दिया, फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए मुझे चिट्ठी लिख दीजिए और विधायक जी, अगर आप विधायक लोग मिलना चाहेंगे तो मैं आपको भिजवा दूंगा। वो पत्र मैंने आज उनको जाके दिया है। आज वो किन्हीं कारणों से दबाव में, मेरा ये चार्ज है कि ये दबाव है मुख्यमंत्री येदुरप्पा जी का कि वो पुलिस पर दबाव डालकर मुझे मेरे मतदाता से भी नहीं मिलने दे रहे हैं। अनुरोध करूंगा कि मुझे मेरे मतदाताओं से मिलने का अवसर प्रदान करें और डायरेक्ट करें पुलिस को कि मुझे उनसे मुलाकात का अवसर प्रदान करें। डीजी साहब ने कहा कि मैं इस बारे में कोई आश्वासन आपको नहीं दे सकता क्योंकि ये विषय राजनीतिक है।
तो आपको बता दें कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में मौजूद थे दिग्विजय सिंह और लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं कि बागी विधायकों से वो मुलाकात कर पाए। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, इसलिए अपने वोटरों से मिलने का अधिकार उनको है, हक उनको है और उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इस बात का भी जिक्र दिग्विजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है और ये आरोप कर्नाटक सरकार यानी कि येदियुरप्पा सरकार पर भी उन्होंने लगाया कि येदियुरप्पा सरकार का दबाव है, इसलिए पुलिस जो है मिलने नहीं दे रही है। साथ ही दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि पुलिस को एक पत्र सौंपा है विधायकों से मिलने के लिए। शुक्रवार शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि आज पूरे दिन मध्य प्रदेश के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पहले कांग्रेस माफ कीजिएगा बीजेपी ने स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, स्पीकर के फैसले को चुनौती दी थी क्योंकि बजट सत्र के पहले ही दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कोरोना वायरस का हवाला देते हुए सदन की कार्रवाई को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और ऐसा लगने लगा था कि एक वक्त जो है 26 मार्च तक का वो कमलनाथ सरकार को मिल गया है। जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे थे तो फ्लोर टेस्ट से बचने के लिए वो जो वक्त लग रहा था कि कमलनाथ सरकार को मिलेगा वो वक्त सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से दलील भी दी गई कि 2 हफ्तों का समय उनको चाहिए। स्पीकर के जो वकील अभिषेक मनु सिंह भी थे, उन्होंने अपनी दलील में ये कहा कि अभी इस मामले को लेकर उनको वक्त चाहिए, फैसला करने को लेकर वक्त चाहिए। लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आज यह कहा कि ऐसे हफ्तों में खरीद फरोख्त की स्थितियां बढ़ जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट का प्रायोरिटी यह होती है कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराया जाए ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।